सस्ता घर और अपना घर, वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग मंसूबे में अहम पेशरफ। शहर लाहौर को फेज टू में शामिल कर लिया गया। हंजरवाल, बरकी और एलटीए सिटी में घर तामीर होंगे। एराज़ी एक्वायर के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ से रिकॉर्ड। कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश में नाकिस कारकर्दगी। होमिसाइड विंग सर्कल से थाने की सतह पर मुंतकिल। अब हर थाने में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी कत्ल की तफ्तीश कर सकेगा। इससे कबल कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स कर सकते थे। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी के अहकाम। तफ्तीशी अफसरान को चूंग ट्रेनिंग कॉलेज में कोर्सेज कराने का फैसला। मुस्तफा टाउन में खातून कत्ल। 35 साल रजिया को सर में कुल्हाड़ी मारकर कत्ल किया गया। पुलिस लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। शहर में कत्ल की वारदातों में खौफनाक इजाफा। 8 रोज में शहर में 11 अफराद कत्ल कर दिए। जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो गई। सब्जाजार में 3 रोज कबल अगवा होने वाला 7 साल बच्चा कत्ल। मुलजिम ने अजान को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया। गिरफ्तारी के खौफ से लाश नाले में फेंक दी। मुलजिम दुकानदार के एतराफ जुर्म और निशानदही पर लाश की तलाश जारी। कई घंटे के ऑपरेशन के बाद भी लाश ना मिली। वालिद गम से निढार, घर में मातम। मेरे साथ कोई तावन नहीं कर रहा। पुलिस हमें बिस्त करके थाने से निकाल रही है। सिर्फ गुआ का पर्चा कर दिया नामलूम पर, और ना ही मेरे साथ ढूंढ रहे हैं। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेरा बेटा मुझे चाहिए। मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी हूँ। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा उनसे कोई तल्लक नहीं था। मेरा 7 साल का बेटा मार दिया उन्होंने। ट्रैफिक पुलिस के लिए नई सिंगल कैबिन गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खरीदने का फैसला। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने पंजाब हुकूमत से 80 करोड़ रुपए मांग लिए। एफबीआर के खिलाफ एहतजाज, ताजिरों के गले पड़ गया। थाना नौलखा में ताजिरों के खिलाफ पर्चा कट गया। मुकदमे में सदर लाहौर चैम्बर अलमास हैदर समेत दीगर नामजद। ब्रंडरथ रोड के ताजिरों ने कल एफबीआर के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया था। एफआईआर से एफबीआर का कोई ताल्लुक नहीं। ब्रंडरथ रोड लोगों पर जमा होने से पुलिस ने खुद मुकदमा दर्ज किया। एडिशनल कमिश्नर एफबीआर। पुराने मोबाइल फोन पर भी नए मोबाइल फोन के बराबर दरामदी ड्यूटी और टैक्स। हॉल रोड के ताजे सरापा एहतजाज। ऑल पाकिस्तान मोबाइल फोन एसोसिएशन की हुकूमत को 5 अप्रैल की डेडलाइन। ताजिरों का कहना है कि अगर मुतालिबात ना माने तो सारे मुल्क में हड़ताल करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स भत्ता माफिया के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का सूबाई मुहतसिब के दफ्तर के बाहर एहतजाज। अवामी रिक्शा यूनियन के अहदेदार भी मुजाहरे में शरीक। मॉल रोड को इस्तांबुल चौक से बंद करके नारेबाजी। सीटीओ का नोटिस। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील। कूड़े से बिजली बनाने का मंसूबा खत्म करने का मामला। LWMC स्कैंडल में मजीद इंकशाफ। बगैर पैसे दिए कूड़ा उठाने वाली गैर मुल्की कंपनी खुदे लाइन। MOU साइन होने के बावजूद मामलात को जानबूझकर खत्म किया गया। खजाने को अरबों का नुकसान। एक और असेंबली सेशन खत्म। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का ताहाल चेयरमैन मुंतखब ना किया जा सका। हमजा शहबाज को चेयरमैन बनाने के मामले पर हुकूमत की जानिब से ताखिर। चेयरमैन PSC के इंतखाब का एजेंडा जारी ना किया। मजीद 3 कायमा कमेटियों के चेयरमैनों का इंतखाब। काफ लीग के डॉक्टर मोहम्मद अफसल कायमा कमेटी बराए सेहत और शुजात नवाज कायमा कमेटी बराए माइंस एंड मिनरल के चेयरमैन मुंतखब। कायमा कमेटी के इजलास में गैर संजीदगी क्यों दिखाए। सूबाई वजीर बशारत राजा DG और सेक्रेटरी फूड पर बरहम। दोनों अफसरान को वार्निंग जारी। गैर हाजिरी की वजूहत तलब। आइंदा इजलास में मसरूफियात के सबूत लेकर पेश होने की हिदायत। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में किसी की हुकूमत गिराने का मुआहदा नहीं किया। कोई भी जमात मौजूदा हुकूमत को गिराने के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ब्रिगेडियर रिटायर्ड असर मुनीर की खुदकुशी अचंभे की बात है। एहतसाबी इदारे लोगों की तस्लील करेंगे तो फिर ऐसे वाकयात होंगे। नैब और दूसरे इदारों की आंखें खुल जानी चाहिए।
तब्दीली निजाम में तब्दीली की दावेदार सरकार में बलदियाती इदारे ही नजरअंदाज। बल्दिया उस्मा लाहौर ताहाल 73 करोड़ 10 लाख के फंड से महरूम। फंड्स की अदम फराहमी से शहर के अहम तरक्याती और मरम्मती काम रुक गए। महकमा तालीम में तब्दीली का सफर भी कठिन। कॉलेजेस के लिए भी फंड्स मुख्तस मगर रकम जारी ना हो सकी। कॉलेजेस में IT लैब्स और नया फर्नीचर खरीदा जाना था। कोट लखपत जेल में साबिक नवाज शरीफ की खराबी सेहत का मामला। नवाज शरीफ के बाएं बाजू में दर्द, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा। जेल डॉक्टर्स का मामूल के मुताबिक चेकअप, अद्वियात जारी रखने का मशवरा। नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान को भी आगाह कर दिया। जेल हुकाम कारकुन सब्र का दामन ना छोड़े, नवाज शरीफ की कारकुनों को हिदायत। कहते हैं जेल की कोठरी में अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कुल है, मेरे दामन पर करप्शन या बदउनवानी का कोई दाग नहीं। एडिशनल MS को अस्पताल मुलाजिम से मैसाज करवाना महंगा पड़ गया। लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन, जिना अस्पताल के एडिशनल MS डॉक्टर याहिया सुल्तान को ओहदे से हटा दिया गया। मुर्गे के गोश्त को फिर पड़ लग गए, एक ही दिन में 23 रुपए का इजाफा। ब्रायलर गोश्त की कीमत 218 से तजावज करके 241 पर पहुंच गई। सब्जियों की कीमत को भी आग लग गई। सब्ज मिर्च 250 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। 10 रुपए वाले आलू डबल कीमत पर फरोख्त। प्याज 26 की बजाय 35 में बिकने लगा। पाकिस्तान रेलवे को खुशहाल बनाने का ख्वाब अधूरा। मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाह से महरूम। TLA मुलाजमीन की अदम अदायगी पर DS ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने दफ्तर का दाखिली दरवाजा बंद कर दिया। पूरे पंजाब की जिम्मेदारी उठाने वाले अपने हल्के के मसाइल से बेखबर। वजीर हाउसिंग के हल्का पानी की किल्लत का सामना। इचरा गंज बख्श रोड के मकीम वासा और हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ सरापा एहतजाज। वोट लेने के बाद वजीर हाउसिंग गायब हो गए। मसाइल जूं के तू बरकरार। इलाका मकीम पीको रोड के रिहायशियों का वासा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। लाहौर ब्रिज रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पहली बार लेडी हेल्थ वर्कर्स को असेंबली बुलाकर मसाइल सुने। मुतालिबात पर अमल दरामद के बावजूद एहतजाज की कॉल बिला जवाज है। 4 सालों में 13,000 हेल्थ वर्कर्स भर्ती करेंगे। पेपर वर्क मुकम्मल करके महकमा खजाना को भिजवा दिया। हेल्थ वर्कर्स के अहले खाना को मराहत देने का भी ऐलान किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर सेहत की हिदायत पर अस्पतालों की सफाई भी शुरू। वजीर आजम को टैक्सेस को इकट्ठा करने की तजवीज दी। टैक्सेस इकट्ठा होने से सनतकारों को अदायगी में आसानी होगी। इंडस्ट्री के फरोग के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं। मुआशी पॉलिसी की तश्कील में सनतकारों की मुशावरत हासिल होगी। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल का चैम्बर्स के इजलास से खता। कर्ज लेकर मुल्क चलाने वाले हुक्मरानों की तनख्वाहों में इजाफा बिला जवाब है। अराकीन असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। चौधरी शुएब सलीम एडवोकेट की जानिब से दरख्वास्त दायर। तनख्वाहों में इजाफा कालदम करार देने की इस्तदा। वजीर आजम के ट्वीट के बाद पंजाब हुकूमत की फुर्तियाँ। तनख्वाहों में इजाफे के बिल में तरमीम कर दी। तरमीम शुदा बिल से वजीर आला की मराहत की शिक खत्म कर दी। स्पीकर की तनख्वाह में भी 25,000 कमी। रेलवे अराजी को लीज पर देने का मामला। LDA से मंजूरी हासिल किए बगैर किसी भी अराजी को लीज पर ना दें। LDA ने महकमा रेलवे को लीज पर अराजी देने से रोक दिया। डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन ने CEO सीनियर GM रेलवे को मुरासला लिख दिया। वालिदैन की लड़ाई बच्चों के लिए वबाले जान बन गई। लाहौर हाईकोर्ट ने 4 बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले कर दिए।
बच्चों का मां के साथ जाने से इनकार, बच्चों का बाप के साथ जाने के लिए इसरार। कम सिन बच्चे बाप के साथ लिपट लिपट कर रोते रहे। गुजरात पुलिस फंड्स में 70 करोड़ रुपए की करप्शन का केस, नैप की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। दो मुलजिमान गुलाम सरवर और सगीर अहमद ने प्ली बार्गेन कर ली। मुलजिमान ने 2,70,00,000 प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दी। अदालत का मुलजिमान को रिहा करने का हुक्म। एमडी दुनिया मीडिया ग्रुप नवीद काशिफ की वालिदा की नमाज जनाजा जामिया मस्जिद उस्मानिया जौहर टाउन ब्लॉक 2 में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद, मुजीबुर रहमान शामी, जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की शिरकत। तर्जुमान वजीर आला शहबाज गिल, सीटीओ लियाकत अली मलिक, चेयरमैन पीएचए यासिर गिलानी, एमडी पार्किंग कंपनी कलब अब्बास, सुमैर अहमद सैयद, सलमान खानी, जुनेद सलीम, चौधरी नसीर और सोहेल अहमद समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स लीग ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई, वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं की शिरकत। वजीर बराए आला तालीम ने यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स लीग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। खातीन यूनिवर्सिटीज को अलग ग्रुप में रखा गया, राजा यासिर हुमायूं। मॉडल टाउन डी ब्लॉक में सजा रंगारंग सनती मेला, शहरियों की बड़ी तादाद मेला देखने पहुंच गई। गुलुकार नासिर बिराज और शाहिद लोहार की पंजाबी गानों पर शानदार परफॉर्मेंस, हाजरीन झूम उठे। घोर डांस का शानदार मुजाहरा, ढोल की थाप पर भंगड़े, बच्चों के लिए मैजिक शो, चटपटे खानों समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स पर रश। सदर मॉडल टाउन सोसाइटी साहबजादा सैफुर रहमान ने सूबाई वजीर मेहर मोहम्मद भरवाना के हमरा फीता काट कर मेले का इफ्तिताह किया। सैफुर रहमान ने कहा कि इवेंट से फैमिलीज को मिल बैठने का मौका मिलता है, दूसरी सोसाइटियों में भी ऐसे इवेंट होने चाहिए। सूबाई वजीर इमदाद बाहमी ने भी इवेंट को सराहा।